जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज मैं आपको अब्दुल कलाम के मिसाइल की इन्फॉर्मेशन दूंगा, उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल जनरल नॉलेज फॉर एवर में। चलिए आज की नई वीडियो को भी शुरू करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। APJ अब्दुल कलाम ने डॉक्टर VS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव के तहत ही उन्होंने ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग समेत कई मिसाइल बनाई। पूर्व राष्ट्रपति कलाम के डायरेक्शन में ही देश को अपनी पहली स्वदेशी मिसाइल मिली। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। इसे आर्मी और नेवी के लिए बनाया गया है। ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है और ये 300 किलो तक बारूद ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस की विशेषता है कि हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। इसका पहला परीक्षण 12 जून 2001 को हुआ था। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम प्रक्षेपण 25 फरवरी 1988 में हुआ था। पृथ्वी वन की रेंज 150 किलोमीटर है, साथ ही वह 1000 किलोग्राम तक बारूद ले जाने में सक्षम है। बाद में पृथ्वी टू और पृथ्वी थ्री को लॉन्च किया गया। पृथ्वी टू की रेंज 250 किलोमीटर जबकि पृथ्वी थ्री की रेंज 350 किलोमीटर है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पृथ्वी टू परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि मिसाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में आती है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। 15 मीटर लंबी व 12 टन वजन की यह मिसाइल 1 क्विंटल भार ले जाने में और परमाणु हमले करने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल के अब तक 5 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं, साथ ही 6वें वर्जन को विकसित किया जा रहा है। अग्नि रूप मिसाइल के अंदर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तक आती है। अग्नि वन लंबी दूरी तक मार करने वाली पहली मिसाइल है। यह 700 किमी तक 1000 किग्रा वार हेल ले जाने में सक्षम है। अग्नि 2 आधुनिक नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है। 200 किमी तक 1000 किग्रा वारहेड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 और 4 सड़क के किनारे से भी छोड़ा जा सकता है। 3500 किमी तक 1500 किग्रा वारहेड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 500 किमी तक 1000 किग्रा वायरहेड ले जाने में सक्षम है। आकाश मिसाइल स्वदेशी निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और अपने साथ 60 किलोग्राम तक के हथियार भी ले जा सकती है। आकाश मानव रहित विमानों, लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को भी निष्क्रिय करने में सक्षम है। नाग मिसाइल। नाग मिसाइल की विशेषता है कि यह टॉप अटैक फायर एंड फॉरगेट और सभी मौसम में फायर करने की क्षमता से लैस है। नाग मिसाइल लाइट वेटेड वेपन्स में आती है। हमला करने के लिए 42 किग्रा वजन की इस मिसाइल को हवा से जमीन पर मार करने के लिए हल्के वजन के हेलीकॉप्टर में भी लगाया जा सकता है। नाग मिसाइल 4 किलोमीटर तक मार कर सकती है। नाग को टैंक भेदी मिसाइल भी कहते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं सभी मिसाइल्स की फोटो। ये जो मिसाइल है ये ब्रह्मोस मिसाइल है। इस वाली मिसाइल का नाम है आकाश मिसाइल, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको। ये है अग्नि मिसाइल, ये मिसाइल है नाग मिसाइल, ये मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल। मैं हमेशा जीके के ही वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आगे अब्दुल कलाम के ऊपर और भी जानकारी लेके आऊँगा।